हमारे चारों तरफ, हमारे गार्डन में, लॉन में, खेतों में, पॉट्स में, हर जगह कुछ ऐसे अनचाहे प्लांट होते हैं जो कि अपने आप ही उग जाया करते हैं जैसे ही बारिश होती है, जैसे पता नहीं कहाँ से उनके सीड्स आ जाते हैं और वो हर बार अपने आप ही उग जाया करते हैं। और हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, वो ख़त्म नहीं होते। वैसे तो घास हमारे किसी काम के नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसी भी घासें हैं जिनके मेडिसिनल गुण बहुत ज़्यादा होते हैं, औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनके औषधीय गुण के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। पुराने टाइम में जब भी कोई बीमार होता था तो वो वैद्य के पास जाता था और वैद्यों को पता होता था कि कौन सी घास का प्रयोग करके जो है उस रोग का इलाज किया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ लोग एलोपैथी दवाइयों की तरफ बढ़ते चले गए, लेकिन जब आज विज्ञान खुद ये कहता है कि एलोपैथी दवाइयाँ तुरंत तो असर दिखा देती हैं लेकिन उनका साइड इफेक्ट भी काफ़ी बुरा होता है, तो एक बार फिर से लोग आयुर्वेद की तरफ लौटना शुरू कर दिए। इसीलिए मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी घासों के बारे में आपको बता रहा हूँ जिनके औषधीय गुण भी काफ़ी ज़्यादा हैं। उनकी पहचान कैसे करनी है आपको, उनके औषधीय गुण क्या क्या हैं, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने इस पर पहले भी दो वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आप मेरे चैनल पे जाकर के या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा या फिर इन स्क्रीन पे उसका लिंक आपको मेंशन हो जाएगा, वहाँ पे जाकर के इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को भी आप जरूर देख लें अगर ना देखे हो तो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस लिस्ट में मैं पहले नंबर पे रख रहा हूँ दूब घास को। ये घास आसानी के साथ पूरे भारत में हर जगह देखी जा सकती है, काफ़ी आसानी से ये घास आपको मिल जाएगी। धार्मिक अनुष्ठानों में भी इस घास का प्रयोग किया जाता है। इस घास पे अगर आप नंगे पैर सुबह सुबह चलते हैं, जब जिस समय इस पे ओस गिरी होती है तब आपके नेत्र की ज्योति भी बढ़ती है, साथ ही साथ ये स्ट्रेस को भी कम करता है। दूब घास को पीस करके आप पैरों के तलवों पे लगा लें, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो दूब घास को पीस करके उसमें थोड़ा सा चूना मिला लें और अपने माथे पे लगा लें, आपके सर का दर्द दूर हो जाएगा। दूब घास में कभी कभी सफ़ेद दूब घास भी देखने को मिल जाती है, उसके औषधीय गुण ज़्यादा होते हैं। किसी को नकसीर की समस्या है तो दूब घास के 3 से 4 बूंद नाक में डालने से आराम मिलता है। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, आपको वेट लॉस करना है, तब आप खाली पेट 3 से 4 चम्मच दूब घास के रस को सुबह पानी के साथ ले लें, आपको वेट लॉस में फ़ायदा मिलेगा। नंबर 2 पे जिस घास को मैं ले रहा हूँ उसे मोथा घास या फिर नागर मोथा घास बोलते हैं। वैसे तो ये जिस खेत में हो जाता है उस खेत को बर्बाद कर देता है, इसे निकाल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके औषधीय गुण भी काफ़ी अच्छे हैं। मोथा घास की जड़ों में एक गांठ सी बनी होती है, उन गांठ को पीस करके अगर आप चोट में लगाते हैं, सूजन में लगाते हैं या फिर खुजली में लगाते हैं या फिर कुष्ठ में लगाते हैं तो आराम मिलता है। अगर किसी को गठिया की समस्या है तो वो मोथा घास, आंवला और हल्दी को समान मात्रा में लेकर के उसके काढ़े को बना करके उसमें शहद डालकर उसका सेवन करने पर गठिया रोग में आराम मिलता है। किसी को एसिडिटी की समस्या है तो मोथा घास के काढ़े को ठंडा कर लें, लगभग 10 से 20 ml काढ़े में आप शहद डाल करके पीते हैं तो आपको एसिडिटी की समस्या से निजात मिलेगी। मोथा घास के काढ़े का प्रयोग पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। मोथा घास की चटनी को में शहद डाल करके लेने से अगर आपको खूनी पेचिश हो रही है तो उसमें भी आराम मिलेगा। इस घास को पहचानना काफ़ी आसान है। एक तो ये प्लांट इस तरह से देखने में लगता है, दूसरा इसकी जड़ों में इस तरह से गांठ बनी होती है, तो इसे देख करके आप बड़े आराम से इन्हें पहचान सकते हैं। ये वसाका का पौधा है, इसे अड़ूसा भी बोलते हैं। मेरे यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसे रूस का पौधा बोलते हैं। इस पौधे के साथ मेरे बचपन की यादें भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इसके पत्तों का प्रयोग हम बचपन में कच्चे आमों को पकाने के लिए करते थे। आज तो तमाम केमिकल आते हैं जो कि नुकसान भी करते हैं, लेकिन बचपन में हम इनके पत्तों से कच्चे आमों को पका लिया करते थे। इसके औषधीय गुण भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके 10 से 12 कोमल पत्तों को ले लें, उसमें 2 से 5 ग्राम हल्दी को मिला करके पीस लें। पीसने के बाद अगर आपको खुजली है, दाद है या फिर चोट की सूजन है, वहाँ पर इनको आप लगा दें तो आपको आराम मिलेगा। फोड़े पर भी इसके पत्तों को पीस कर लगा देने से आराम मिलता है। अगर आपको चोट लग गई है, सूजन हो गई है या फिर जोड़ों का दर्द है, लकवा है, इस सब में अगर दर्द हो रहा है तो आप इनके पत्तों को गर्म कर लें। उस गर्म पत्तों से सिकाई करने पर आपके जोड़ों के दर्द, लकवा में आराम मिलता है। किसी को ल्यूकेरिया की समस्या है तो 10-15 ml रस में जो है शहद मिला करके लेने से आराम मिलता है। किसी को पेशाब रुक रुक के आ रही है
तब इसके पत्तों को आप खरबूजे के बीज के साथ देने पर आराम मिलता है। इसके साथ ही साथ अगर आपकी किताबों में कीड़े लग रहे हैं तब आप इसके पत्तों को किताबों के बीच में रख दें, आपके किताबों में कीड़े नहीं लगेंगे। इसके साथ ही साथ एनीमिया, कफ या बलगम या फिर बुखार में भी इसके पत्तों के प्रयोग से राहत देखी गई है। इसे पहचानना काफ़ी आसान है। ये प्लांट काफ़ी हाइट में बढ़ता है, जंगली झाड़ी नुमा पौधा होता है। उसके साथ ही साथ इसमें सफ़ेद रंग के फूल भी खिलते हैं। ये पौधा भी लगभग लगभग पूरे भारत में आसानी के साथ देखा जा सकता है। ये भटकैया का पौधा है, इसे कंठकारी भी बोलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा करीबी है हमारे बैंगन, मिर्च और टमाटर के पौधे के। इसमें नीले रंग के फूल खिलते हैं और छोटे छोटे फल भी लगते हैं। भटकैया के पौधे का मुख्यतः प्रयोग जो है खांसी और दांत दर्द में देखा गया है। अगर आपको दांत में दर्द है तो काफ़ी चमत्कारी ढंग से इसके पौधे के प्रयोग से आपको दांत के दर्द में लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपको खांसी है, कफ है, तब आप इसके फल के काढ़े को बना लें, उसमें सेंधा नमक डाल करके इसके फल के काढ़े को लें, तब आपको खांसी और कफ में आराम मिलेगा। अगर आपके दांत में कीड़े लग गए हैं तब आप इसके बीज को इकट्ठा कर लें और उसके धुएं से अपने दांत की सिकाई करें। आपके दांत में अगर कीड़े लगे हुए हैं, सड़न पैदा हो रही है, दांत में दर्द है, तो काफ़ी आराम मिलेगा। या फिर इसके जड़, पत्ते और फल का काढ़ा बना लें, उसका कुल्ला करें, आपको दांत दर्द में भी आराम मिलेगा। इसे पहचानना काफ़ी आसान है। नीले रंग के फूल आते हैं, कटीला पौधा होता है और छोटे छोटे इस तरह से फल लगते हैं। ये पौधा भी पूरे भारत में कहीं भी खेतों के आसपास किनारे पर, रोड के किनारे बड़े आराम से आपको देखने को मिल जाएगा। ये पौधा है कुत्ता पूंछ घास या फिर से लोमड़ी पूंछ घास भी बोला जाता है। और क्यों बोला जाता होगा, इसके आप फलों की संरचना को देख करके अच्छे से समझ गए होंगे। बचपन में शायद आपने भी इसके फलों से खेल खेला हो, एक दूसरे के कपड़ों में चिपकाने का हो या फिर इनको जोड़ करके तमाम आकृतियां बनाने का हो, लेकिन तब हमें इसके औषधीय गुण के बारे में नहीं पता था। ये पौधा भी पूरे भारत में आसानी से बरसात के मौसम में हर जगह देखा जा सकता है। इस पौधे का मुख्यतः प्रयोग लाभ जो देखने को मिला है वो किडनी के रोगियों को देखने को मिला है। वो फिर पेशाब रुक रुक के आना हो या फिर किडनी में कोई समस्या हो, तब आप इसके काढ़े को लेते हैं तो आपको काफ़ी आराम देखने को मिलता है। आप इसके पौधे को उखाड़ लें, इसकी पत्तियों को तोड़ के अच्छे से धुल लें और उसका काढ़ा बना लें। अगर आपको पेशाब रुक रुक के आ रही है तो वो अच्छे से आने लगेगी। इसके साथ ही साथ अगर आपको दांत, खाज, खुजली है तब भी आप इसके रस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पत्तों का रस निकाल लें, अपने दांत वाले स्थान पर लगा लें, आपको आराम देखने को मिलेगा। इस पौधे का प्रयोग जो है सांप और बिच्छू के काटने पर भी किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग सांप और बिच्छू के काटने पर आप किसी वैद्य की निगरानी में, किसी वैद्य की सलाह पर ही करें तो आपको लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये वो 5 पौधे थे जिनके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ। मैं आगे भी आपके साथ इसी तरह के प्लांट से जुड़े हुए वीडियो शेयर करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी सवाल, सुझाव है आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।